सूरज हाथ हिलाते हुए पश्चिम के दरवाजे से अंतःपुर को जाता है और रात को छेड़ने के लिए कुछ नशीली खुशबुएं सवार हो जाती हैं हवाओं की पीठ पर। रात रानी के फूलों का गुच्छा पूरी रात मचलता है और अपनी सुगंध से महकाता रहता है गुलशन को। छोटे छोटे फूलों में खुशबू का खजाना लेकर हर सिंगार झरता रहता है झर झर। मंद बयार में चमेली की महक आती है तो आत्मा को गुदगुदी करती है। बेला महकता है तो लगता है रात खुशबू में डुबकी लगाकर आई है। मधुकामिनी भी रात में ही अपने पंख खोलती है और उड़ती रहती है सूरज के आने तक। इन सबसे अलग एक और खुशबू है जो मादकता की हद तक मदमस्त करती है, जो शाम ढलते ही अपनी मधुशाला में बुलाती है और भोर की पहली किरण तक हिलने नहीं देती। हवा के हर झोंके के साथ खुशबू का एक प्याला थमा देती है। बहुतेरे तो इसकी मादक गंध से इतने अबूझे हैं कि पूरी रात इसके पेड़ के आसपास मडराते रहते हैं और खुशबू की शिनाख्त नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जैसे मृग कस्तूरी की गंध की तलाश में भटकता रहता है जंगल के इस कोने से उस कोने तक और कोई उसे उसकी नाभि का पता नहीं बताता। इसकी खुशबू आसानी से पहचान में इसलिए नहीं आती क्योंकि इसका खानदान सबसे अलग है। ये केवल गुल नहीं है, पूरा गुलदस्ता है। पत्तियां भी अकेली नहीं है, सात पत्तियों का पूरा कुनबा है। इसका नाम भी इसकी सुगंध से नहीं, इसकी पत्तियों से है। संस्कृत इसे सप्तपर्णी कहती है, बांग्ला छातिम और हिंदी चितवन पुकारती है। अगर वानस्पतिक नाम जानने में रुचि है तो एलेस्टोनिया स्कॉलरिस है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सदाबहार देशज वृक्ष है। खैर, पुकारिए भले ही किसी नाम से, लेकिन किसी रात अगर इसकी खुशबू डोरे डाल दे तो आप इसके दीवाने बनकर मडरा ही लेना इसकी गली में, क्योंकि ये मिलेगी ठीक उन्हीं दिनों में जब हवाओं में हल्की हल्की ठंड घुलेगी और शरद दबे पांव आएगा धरती के आंगन में, जब रात लुभाएगी और अपने साथ कुछ वक्त बिताने के लिए बांह पकड़कर घर से बाहर निकालेगी, जब घास की फुनगियों पर ओस आकर ठहर जाएगी और झींगुरों की आवाज का कोरस सुनाई देता रहेगा देर तक, बदन पर ठंड सुरसुराने लगे तो इसकी खुशबू की तलाश में निकलिएगा, और इसकी खुशबू अगर किसी राह में मिल जाए तो समझिएगा अपने लाव लश्कर के साथ ठंड ने पास में ही कहीं पड़ाव डाला हुआ है। जब भीतर अध्यात्म का सोता फूटने लगे तो इसकी छांव में बैठकर गुरुदेव रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर की तरह ध्यान लगाइए। कोई गीत मचलने लगे तो इसके चबूतरे पर बैठकर गीतांजलि लिख डालिए, जिसे साहित्य का नोबेल प्रणाम करेगा। किसी संगीत को रविंद्र संगीत में बदल डालिए। बीमारी सताए तो इसे औषधि बनाइए। जुकाम बुखार में इसकी छाल का काढ़ा पीजिए। दाद खाज अल्सर घाव में इसकी पत्तियों का रस और इसका दूध लगाइए। शिशुओं को पिलाने के लिए पर्याप्त दूध न निकले तो प्रसूताओं को इसकी छाल के रस का अमृत पान कराइए। शांत निकेतन में पढ़िए तो डिग्री के साथ इसका एक फूल भी लाइए और उस फूल के साथ गुरुदेव के संस्कारों की सुरभित संस्कृति भी, क्योंकि शांति निकेतन का दीक्षांत समारोह आज भी सप्तपर्णी की पवित्र गंध से ही गमकता है। विद्यार्थियों को डिग्री के साथ इसके फूलों का गुच्छा भी मिलता है। जब चांद पर ही दाग है तो भला सप्तपर्णी की कीर्ति पर कलंक कैसे नहीं होगा। कुछ लोग इसे यक्षिणी का वृक्ष कहते हैं, मानते हैं कि इसकी खुशबू पहले किसी जादूगरनी की तरह अपनी ओर खींचती है, फिर करीब आने पर यक्षिणी मार डालती है। लोक कलंक है कि इसमें प्रेतात्माओं का वास है,
इसीलिए घना छायादार सदाबहार होने के बाद भी इसमें परिंदे तक घोंसला नहीं बनाते। ऐसा मानने वाले इसकी छाया को भी छूने से डरते हैं। अब पीपल और इमली के यश पर भी तो इसी तरह के धब्बे हैं। इसकी गंध से नफरत करने वालों की धारणा है कि यह दमा अस्थमा की जड़ है, जबकि सच ये है कि परागण के दौरान फूलने वाले कई पेड़ पौधों के पराग कण एलर्जी का कारण बनते हैं, और ये बड़ी ही सामान्य एलर्जी है। परागण हर फलने फूलने वाले पेड़ पौधों में होता है। दोष बेचारे सप्तपर्णी के सिर गया। रूप रस गंध को भी कितना अपयश झेलना पड़ता है, सप्तपर्णी इसका उदाहरण है। बहरहाल, अगर मुझे खुशबू को पोटली में भरने का हुनर आता तो अक्टूबर की इन्हीं रातों में भर लेता और बांट देता सात समंदर को, सात दिनों को, सात रंगों को, सात सुरों को, सात फेरों को, अरे सात लोकों को। सप्तपर्णी, तुम्हारा सप्त समूह बहुत विशाल है, तुम खिलते रहना इसी तरह, महकते रहना इसी तरह, रकीबों को भी आशक बनाते रहना इसी तरह। दिल के इस किस्से का हिस्सेदार बनने के लिए आप सभी का शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। फिर एक विनती, फिर एक गुजारिश। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का लालित्य बचा रहे, इसकी खूबसूरती कायम रहे, इसका दिल बचा रहे, तो सब्सक्राइब करें दिल से। मैं आता रहूंगा दिल तक।